हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। अभी अभी नोटिफिकेशन आया थोड़ी देर पहले, वो पीजीसीएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कि वैकेंसी निकली हुई 18 पोस्ट के लिए। तो आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो किसके लिए है, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, और कब तक डेट है, कब तक लास्ट डेट है, कितने फ़ी है, और ये सब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते ये है कि एक नॉर्थन रीजन के लिए आया, नॉर्थन रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 1 में है, ये NR1 की तरफ से एक वैकेंसी निकली हुई PGCIL की तरफ से। तो इसमें है क्या कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, पोस्ट की बात है तो कितने सीट है, कितने सीट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें दो पोस्ट है, एक है फील्ड इंजीनियर की और एक फील्ड सुपरवाइज़र के लिए, ठीक है। तो फील्ड इंजीनियर के लिए चाहिए B.tech बी चाहिए और फील्ड सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा। तो ये B.tech वाले के लिए 6 सीट है, जिसमें जनरल की 5 है और SC के 1 है और OBC के नई सीट है, ठीक है। और इसी तरह फील्ड सुपरवाइजर की बात करें तो उसमें 12 सीट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 9 जनरल की, OBC की 1 और SC की 2 है। और इसमें एक मेंशन किया है कि ST कैटेगरी में ऑल्सो अप्लाई, दोनों के लिए वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो एज ए जनरल में कंसिडर किया जाएगा एज ए UR कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो पोस्ट निकली है 18 सीट के लिए है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज है। लेकिन इसमें एक बात है कि कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, तो इसमें बोला गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये है कि 4 हम लोग देख रहे हैं इंजीनियर के लिए, ठीक है। फील्ड इंजीनियर की बात करें तो इसमें यह है कि अपर एज 29 साल तक रखी गई है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फुल टाइम BE, BTech और BSc रहना चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो और उसके लिए क्या है कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो और SC ST के लिए जस्ट पास होने चाहिए। तो ये मेरा फील्ड इंजीनियर के लिए एक क्वालिफिकेशन है। और इसके साथ साथ एक इसमें बात यह कि इसमें एक्सपीरियंस रख दिया गया है, तो अगर आप फ्रेशर है तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इससे आप शेयर कर सकते हैं जिसको ज़रूरत है। अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके नज़र में तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो और देख लेते हैं। तो इसमें है क्या, इसमें शुड है मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोला गया कि इसे तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किस फील्ड में, ट्रांसमिशन नेटवर्क और इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में, ठीक है। तो इसका फिक्स्ड मंथली अमाउंट है 30,000 है ये। और बात करते हैं फील्ड सुपरवाइज़र की, ठीक है। तो फील्ड सुपरवाइज़र के लिए है कि इसमें भी मैक्सिमम एज 29 ईयर रखी गई है। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि फुल टाइम डिप्लोमा है, ठीक है, इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड जो होता है, और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स है जनरल OBC के लिए। यो ST यहाँ पर लिखा गया क्योंकि वो एज ए जनरल काउंट होगा, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल सीट खाली नहीं है, इसलिए वहाँ पर इसमें रख दिया गया है, ठीक है। एंड पास मार्क फॉर SC कैंडिडेट, उसी के लिए सिर्फ पास होना जरूरी है, और इसके लिए एक्सपीरियंस है कि ये इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं इसमें किस में होना चाहिए, इंस्टॉलेशन ऑफ अंडरग्राउंड OFC नेटवर्क और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन नेटवर्क, या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इसमें भी 1 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वही लोग भर सकते हैं जिसके पास मिनिमम 1 साल एक्सपीरियंस है विद इन जो इन सारे फील्ड के जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, उसमें 1 साल मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर इसकी जो फील्ड सुपरवाइज़र के लिए है वो 23,000 है। तो इसमें है ये है कि तो यही जो पोस्ट है वो 18 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें आपको 1 साल की मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। और हम लोग देख लेते हैं कि उसके कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो फॉर फील्ड इंजीनियर, अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है तो ये देख लीजिए कि अब क्या क्या प्रोसेस सिलेक्शन के, तो सिलेक्शन फॉर फील्ड इंजीनियर सिलेक्शन प्रोसेस है कि उसमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें इंटरव्यू ओनली होगा, लेकिन अगर बोला गया इफ कंडक्टेड, अगर स्क्रीन टेस्ट अगर कंडक्टेड कर दिया जाए तो उसमें टेस्ट हो सकता है, जिसका क्या होगा कि स्क्रीन टेस्ट अगर कंडक्टेड है तो वो 1 घंटे के लिए होगा, जिसमें 75 मार्क की रहेगी, जिसमें 50 टेक्निकल रहेगा और 25 मेरा एप्टीट्यूड वगैरह रहेगा। तो ये मेरा अगर स्क्रीन टेस्ट कंडक्टेड किया गया तो फॉर फील्ड इंजीनियर, ठीक है। इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, और आपको फॉर्म फिल करना तो भी जा सकते हो, वो सारा लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हम बात करें कि इसमें क्या 40% जनरल वालों के लिए रहना चाहिए OBC के लिए और 30% रिजर्व वालों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर फील्ड सुपरवाइज़र के लिए, तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए क्या है कि 50 रहना चाहिए टेक्निकल नॉलेज और 25 मेरा एप्टीट्यूड का होगा, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। ये पहले भी पोस्ट निकल चुकी थी, लेकिन उसमें क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था, वो ER1 के लिए निकला था मार्च या अप्रैल में वो निकला हुआ था, लेकिन अभी जो NR1 के लिए निकले, लेकिन इसमें
पोस्ट वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आप लोग भर सकते हैं अगर आप लोग एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो इसमें है तो आप लोग देख लीजिए इसमें। तो इसके लिए क्या कि इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और अप्लीकेशन फ़ी रखेगी फील्ड इंजीनियर के लिए 400 फॉर जनरल ओबीसी, और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300, एस सी एस टी के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, दोनों में से कोई भी किसी में भी उनको फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। 12 तारीख, तो ये 12 तारीख से इसका अप्लाई करने का लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि हम लोग नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके। इसमें कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन है किया, ये कल से मेरा ऑन हो जाएगा 10 बजे से, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 तक, ठीक है। ज़्यादा 9 दिन का टाइम है, तो आप लोग चाहें तो भर सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस है तो। और कट ऑफ डेट जो है वो मेरा, सॉरी कट ऑफ डेट ऑफ एज लिमिटेड जो 29 ईयर होनी चाहिए वो 21-9 के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, वो वहाँ तक के ये काउंट किया जाएगा। और डेट ऑफ ये रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू वो मेरा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा फर्दर। तो ये रिटर्न टेस्ट है सुपरवाइजर के लिए, इंटरव्यू जो होगा मेरा फील्ड इंजीनियर के लिए वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो याद रखिए वो कल से इसका लिंक ओपन हो जाएगा 10 बजे, ये NR1 पे वेबसाइट पे जाइएगा PGCIL के, तो वहाँ से वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो और तो ये जितना था ये सारे हम लोग इसमें बता दिए गए। तो चलिए फिर, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मोर जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।